So guys, it's 5 o'clock and I'm shooting Trishika's evening routine. Come Trishika! और त्रिशिका की इवनिंग रूटीन ये है कि अभी ये नींद लेके पूरी अच्छे से उठी है और हम लोग इसको खिला रहे हैं राइस एंड स्पिनच का लाइक मिक्सचर होता है वो मांड वाला राइस है, बहुत चपचपा राइस है. अगर खिलाते हैं तो हमको उसको पूरा लाइक बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, बट बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्दी. इसमें स्पिनच है, स्पिनच क्या करेगा, इसको आयरन प्रोवाइड करेगा, जो भी इसके बॉडी में जितनी भी लाइक रिक्वायरमेंट है आयरन की वो कवर अप होगी. और प्लस जो राइस है उसमें राइस की वजह से इसको लाइक थोड़ा सा वेट इंक्रीज़ होने में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा. और राइस में वैसे भी बहुत सारा कार्ब्स होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स भी इसको मिलेंगे. तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग वी आर डूइंग. उठने के बाद तुरंत इसको अब हम लोग खिला रहे हैं राइस एंड स्पिनच का पॉरेज. पॉरेज क्या होता है, उसको ठंडे पानी में 30 ml ठंडे पानी में 2 scoops हम डालते हैं. इसका जो पाउडर मैंने परचेज़ किया था ऑनलाइन बिल्कुल ऑर्गेनिक है, 100% लाइक ऑर्गेनिक नेचुरल है. प्लस देयर इज़ नो आर्टिफिशियल कलर्स. लेट मी शो यू द त्रिशिकास फेस. इसको खिलाने पर क्या होता है, बाउल दिखाना. ये ऐसा कलर होता है इसका. एंड लेट मी शो यू द पैकेज अगेन. एक बार मैं दिखा चुकी हूँ उस पर, लाइक वीडियो कर चुकी हूँ, बेबी चक्रा से मैंने मंगाया था ये. एंड दिस इज द पैकेज. यस व्हाट, दिस इज द पैकेज, ऑर्गेनिक राइस एंड स्पिनच. दिस इज द पैकेट. ये आर्या कंपनी का है, ऑर्गेनिक है और राइस एंड स्पिनच है. सी गाइस, 30 grams 300 grams का है ये, ठीक है. और ये ओके 2 tablespoons, दैट मीन्स 10 grams हमको ये सप्लीमेंट लेना है. और 30 ml बॉइल्ड एंड कूल्ड मिल्क और वाटर. लाइक इसको पहले बॉइल करना है पानी को और उसके बाद फिर हम लोगों को उसको ठंडा करके फिर उसमें मिक्स करके फिर हमको ये खिलाना है. उस पर कोई गैस वैस यूज़ नहीं करनी है, सीधा हम लोग इसको. इंग्रेडिएंट्स के हैं ऑर्गेनिक राइस, ऑर्गेनिक स्पिनच पाउडर है, विटामिन्स मिनरल्स एंड एंजाइम. किसको बुला रहे हो कृषिका, किसको बुला रहे हो, डैडा को? सी गाइस, क्या हुआ? मम्मा पास लो, मम्मा पकड़ के रखना इसको. को बाकी संता है, समझे गंदा होता है क्योंकि उसके बाद फिर मैं उसको वैसे भी मत पकड़ मैं उसको वैसे भी वो करूँगी, वॉश करूँगी उसका फेस ना. अच्छे से खिला दे, मांग रही है, दे 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 दे. पूरा बाउल चाहिए आपको? इरिटेट हो रही है. नेक्स्ट ठीक है, क्या हुआ तो शिका, काम का हुआ बेटे को का. ये देखो ये कौन है, गंदू कौन है ये गंदू. सी गंदू इसे बालों में भी लगा लिया. ये गंदू में भी कौन है, इतने गंदू इतनी गंदू चेहरा किसका आई है. मेरे में लगा दिया हमें पूरा, ये लो पेस्ट. और इतना फेविकॉल की तरह हाथ पैर सब चिपक जाते हैं, स्टार्च है इसमें बहुत गंदे वाला. इसको डिस्ट्रैक्ट करके अब हम लोग खिलाएंगे ये ना, पहले इसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे फिर खिलाएंगे. लेट मी शो यू. कभी कभी जिद पकड़ लेते हैं मुझे नहीं खाना, तब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे डांस करके हो. मेरे पापा का कभी डांस भी करते हैं. जब भी खिला रहे हो कभी भी मैस की फिक्र मत करो, क्योंकि बहुत मैसी होता है बच्चों को खिलाना. अच्छे से खिलाओ. मैंने जब जब सोचा है ना कि लाइक त्रिशिका मैसी हो रही है, गंदी हो रही है, तब तक मैंने उसको कम खिलाया. जब भी आप सोचो कि गंदी हो रही है, कोई बात नहीं, होने दो, धुल जाएंगे कपड़े, साफ हो जाएगा मुंह, तब आप अच्छे से खिला पाते हो बच्चे को. दैट इज़ द लाइक बहुत बड़ी टिप, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी बहुत
मुझको बहुत गंदा फील होता था, अरे यार इतना गंदा गंदा कर गया त्रिशिका ने, इतना त्रिशिका मोर मोर अरे। सो गाइस खिला तो दिया है त्रिशिका को, अब मैं इसका माउथ लाइक वाइप करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मांड जो होता है चावल को लग गया है, और मेरी मम्मी ने मेरे बोले से पहले साफ कर दिया उसका मुंह, बट थोड़ा सा रहता है वो कर दे हम लोग, क्योंकि फिर ऐसा ऐसा होता है कि चावल का मांड है तो फिर वरना वो फेविकॉल की तरह पूरे मुंह पे फेस पे। सो गाइस त्रिशिका का क्रॉलिंग मैट लग रहा है क्योंकि नाउ शी हैज स्टार्टेड क्रॉलिंग लाइक बहुत ज़्यादा, तो अभी शी सिटिंग ऑन द फ्लोर वहाँ पे बैठी है, हमेशा डायरेक्शंस बहुत गलत होते हैं, लाइक शी सिटिंग ओवर देयर और अभी वो क्रॉल करेगी, आई विल शो यू हाउ लाइक हाउ मच शी क्रॉल्स एट अ टाइम। तो इसका वही तैयारी चल रही है अभी, अभी भी वो वैसे फर्श पे भी अपने आप को कंट्रोल कर लेती है, इट्स नॉट लाइक कि अभी क्या हो रहा था बैलेंस कर करके अपने आप से क्रॉल कर रही थी। त्रिशिका व्हाट आर यू डूइंग, त्रिशिका फार्टेड एंड आई थिंक शी इज डूइंग पू पू। तो अभी ये त्रिशिका का क्रॉलिंग मैट लग रहा है और इस पे ये क्रॉल करेगी, इससे ज़्यादा बड़ा चाहिए हमें वो क्रॉलिंग मैट, बट अभी लाइक अवेलेबिलिटी इतनी है, फर्स्ट क्राई पे इतने आता है, 4 का सेट आता है, तो अभी फिलहाल हम लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी जल्दी क्रॉल कर लेगी, जो हम जिस दिन हम लेके आए थे उस दिन उसने एक आधा कदम लट चलना स्टार्ट किया था और अभी तो इतना ज़्यादा चल लेती है, लाइक जिस दिन से शिव साई मंदिर में हम लोग गए साई मंदिर में इसने कारपेट बिछा हुआ था तो उस पर बहुत ज़्यादा क्रॉल किया था, तो कम से कम 15-20 कदम या कम नियर अबाउट कितना, हाउ मच लाइक 5 मोर देन 5 बताओ 15 स्टेप्स लाइक शी क्रॉल्ड, तो अब तो बहुत ज़्यादा हो गया इसका डे बाई डे लाइक बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी वॉकर का स्टार्ट हुआ था, वॉकर पे वो हल्का करती थी क्रॉल और उसके बाद से उसने बहुत ज़्यादा क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो इवनिंग रूटीन है वी आर लाइक एंगेजिंग हर, जितना खेल सके उतना खेले खिलाएंगे, और उसका जो पानी का बॉटल है उधर फिर से मैं डायरेक्शन में गलत, वहाँ पर उसका पानी बॉटल है महेंद्र ने ले लिया है, उसको काफ़ी बार पी चुकी है, घूट घूट करके हम लोग उसको 3-4 बार प्लेक पिला ही देते हैं। तो हम लोग उसको पानी पिलाते रहते हैं उसको हाइड्रेटेड रखने के लिए, दिस इज फॉर नाउ। त्रिशिका वेयर इज योर टंग, अच्छा साई राम, टेल अस वेयर इज साई राम, क्लैपिंग बट वेयर इज साई राम, वेयर इज साई राम, साई राम वेयर इज साई राम, अरे वाह ओम साई राम, and where is lizard, lizard do katti katti, oh katti katti it's outside, lizard mummy ka ek showpiece hai like latka hua wind chime type ka, wo bahar latka hua hai to usko bahar dekhti hai, that lizard is outside clipping itna tez fast 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 fast, she understands everything, सो इट्स बेटर जब भी बच्चा लगे ना आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, आपको लाइक रिस्पॉन्ड कर रहा है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट स्पीकिंग विद देम इन इंग्लिश इफ़ यू वॉन्ट योर बेबी टू बी लाइक फ्लुएंट इन इंग्लिश, दैट इज़ अ लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, तो वी ऑलवेज ट्राई कि हम लोग त्रिशिका के साथ इंग्लिश में बोले, पूरे पूरे सेंटेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, स्टार्ट विद वन वर्ड और जैसे बच्चा एक वर्ड लाइक कैच करना स्टार्ट कर दे, स्टार्ट इंक्रीजिंग द लाइक सेंटेंस में इंग्लिश वर्ड्स की वो आप स्टार्ट कर सकते हो, वाटर Water? और वो जो पड़ी भी हुई है वहाँ पे दैट इज़ द डेंटॉन लाइक टैबलेट होम्योपैथिक वाली, इसको हम लोग दिन में 3 बार देते ही हैं, पहले मैं उसको पीस के देती थी क्रश करके देती थी, नाउ इट्स लाइक कि शी स्टार्टेड लाइक सकिंग इट, तो चूस लेती है उसको, हम लोग मुँह में डालते हैं तो खा लेती है उसको आराम से, ओम साई राम साई राम साई राम, वेरी गुड, नाउ शो योर टंग त्रिशिका, टंग टंग वेयर इज टंग,
Nani is doing a very strong. Nani is showing you. It's a fan. Okay, you are showing everybody fan. Fan. And where is Jai Jai? Where we do Jai Jai? Jai Jai. Where is Jai Jai? 1, 2, 3, 4. तो हमारा अभी बहुत बाहर धूप है. लेट मी शो यू द सन आउटसाइड. आपको त्रिशिका के ऊपर सन दिखेगा जैसे ही सन थोड़ा सा डाउन होगा और इवनिंग स्टार्ट होगा. इवनिंग लाइक थोड़ा सा बर्ड्स वगैरह दिखने स्टार्ट होंगे. वी विल टेक हर आउट और मच्छर होने से पहले पहले हम लोग इसको अंदर भी लेके आएंगे. धम होने वाली है. ये बच गए. नाउ शी कैन कंट्रोल हरसेल्फ. लाइक मुझे भी डर ही लग रहा था बैठे बैठे. एक दो दिन में सीखी है ये. इससे ज़्यादा दिन नहीं हुए उसको. And she is like अभी बहुत like on 13th she will complete her 8th month और 9th में लग जाएगी. Clapping, 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 clapping. Crawling mat से भी बाहर आ गई है. ओह खतरों के खिलाड़ी. एक खतरों के खिलाड़ी. Yes, yes. अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं मम्मी के लिए जाके ना लाइक घर में जो भी फेस पैक मिले आपको. You want water? Take some water. Like guys, मम्मी लोग अपना ध्यान नहीं रख पाते. तो what I have thought is कि घर में कुछ भी ingredient हो आपके किचन में, खासकर टमाटर हो, curd हो, कुछ भी हो, like पपीता हो, केला हो even, तो आप क्या करो, फटाफट काटो और उसको मुँह पे लगा लो. तो फिसल के फिर she is enjoying also. Light off कर दे रहा. अभी बहुत तेज धूप छाया होती है. मैं आपको दूसरा सीन जो होगा वो बाहर बालकनी का होगा. अभी अगर कुछ इंटरेस्टिंग होगा तब मैं कैमरा ऑन करूँगी. बट फॉर लाइक नेक्स्ट वीडियो विल बी फ्रॉम द टारस. त्रिशिका, त्रिशिका सीन मम्मा. मम्मी जी क्लाउ. डरती नहीं है किसी भी चीज़ से. हम उसको तो ट्राई करते किसी एक चीज़ से तो डरे पर ये नहीं डरती. यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी अदिश. हमने भी इसका डायपर निकाल दिया. इसने पुपू की थी और फिर हमने इसका डायपर निकाल दिया. शी इज़ इन लाइक लेगिंग्स में, खाली उसने शॉर्ट्स पहने हुए. शॉर्ट्स भी नहीं, क्या बोलेंगे उसको, कैपरे टाइप की है बस. उसमें है उसका डायपर अभी नहीं पहनाएंगे और ना हम लोग लाइक कोशिश करेंगे इसको भी पहनाने की. वी विल लाइक कीप हर हाफ एन आवर, आधा घंटा तो मैक्सिमम हम लोग इसको विदाउट डायपर रखेंगे. फिर आप नीचे आ गए, फिर आप क्रॉल होकर गिरोगे.
ओके गाइस, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज अभी मैं संतरा ले रही हूँ और संतरे का जूस निकाल के मैं तुष्का को पिलाऊंगी। उसको बहुत पसंद है ऑरेंजेस। मेरे को लगा था उसका मैंगो फेवरेट होगा, बट ऑरेंजेस के आगे मैंगो भी हार गया। और हो भी सकता है लाइक मैंगो भी उसने ज़्यादा टेस्ट नहीं किया, ना इतना ज़्यादा मीठा आ रहा है नॉर्दर्न एरियाज, लाइक अभी जो नॉर्दर्न एरिया हमारे देहरादून की लाइक है, नॉर्दर्न एरिया ऑफ इंडिया। तो ऑरेंजेस अभी उसको लाइक अभी उसका फर्स्ट नंबर पे चल रहा है। देख के शी गोज क्रेजी, लाइक बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाती है देखते ही, एंड उसका मन नहीं करता छोड़ने का, ख़त्म हो जाता है तो रोती है। तो दिस इज़ लाइक वन ऑफ हर फेवरेट फ्रूट अभी तक का। तो अभी मैं उसको ना हाथ से भी निचोड़ती हूँ, दो वी हैव अ मिक्सर जूसर सॉरी, बट स्टिल उसका अभी तक का ये फेवरेट है। दिस इज़ अ इवनिंग लाइक स्नैक यू कैन से, क्योंकि अभी उसने एज यू नो दूध पिया था। दूध पीने के बाद फिर उसने खाया था वो राइस और स्पिनच वाला पॉरेज। नाउ कम्स ऑरेंज जूस, ठीक है। ऐसे में हाथ से इसको जस्ट ऐसे क्रश करती हूँ एज यू कैन सी गाइस। नेल्स अपने हमेशा, इफ़ यू हैव अ बेबी हमेशा इतने कट रखो। लेट मी शो यू द नेल्स, मेरे कभी भी नेल्स बड़े नहीं होते। हैंड वॉश करो एंड तब बेबी के लिए फूड बनाओ, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। मेरी मम्मी इसको ने मम्मी ने देना स्टार्ट किया था इसको ऑरेंज जूस, एंड तब से इसको बहुत पसंद है। और ये कटोरी, इस कटोरी को देख के उसको पता चल जाता है कि ये मेरे लिए ऑरेंज जूस बन रहा है। हम इसको ज़्यादा देर रात को नहीं देते, हम लोग इसको इवनिंग में जब जैसे सूरज ढलता है उस समय पे, और एक सुबह जब सूरज निकलता है उसके बाद हम लोग इसको दो टाइम ऑरेंज जूस ज़रूर देते हैं। दिस इज़ लाइक वन ऑफ हर लाइक डाइट में वन ऑफ हर फूड जो चलता है फ्रॉम द 6 मंथ ऑनवर्ड्स चल रहा है मतलब, ठीक है। मेरी मम्मी होती तो और अच्छे से क्रश करती, बट आई एम यूजिंग वन हैंड। अब मैं इसको छान लूँगी क्योंकि इसमें सीड्स अभी डल गए हैं। तो द नेक्स्ट स्टेप इज टू लाइक रिंस दिस। तो मैं छलनी लूँगी और छलनी से इसको दूसरे बाउल में निकालूंगी। और इसको देखते ही इतना क्रेजी होती है, आई विल शो यू वेट। सो मैंने इसको छान लिया, थोड़ा सा ही बना हो दो सी, हाफ ऑरेंजेस का है ये जूस। अब मैं इसको ऋषिका को खिलाऊंगी पिलाऊंगी। ऋषिका सी वाओ, अरे आराम से ऋषिका, दिस इज फॉर यू, लो कितना चिल्ला रही है नानू का, नानू तुष्का की नानू आ गए तो डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो बहुत रोती क्योंकि मैंने उसको थोड़ा हाफ ऑरेंजेस का ही बनाया। अभी थोड़ी देर में हाफ ऑरेंज को और बना के दूंगी उसको, अभी वो एंगेज होंगे नानू के साथ, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। अभी पानी को तो ले लेना। हाँ चल लेट्स गो, ये दूध की बॉटल भी, लेट्स गो, चलो लेट्स गो। चलो चलो लेट्स गो, ओके बाय बाय ऋषिका, बाय बाय बाय, अब लोग जा रहे हैं बाय। चलो कम कम, यू वांट टू गो कम। अभी तो आप रो रहे थे करके, नाउ यू वांट टू गो, हाँ लेट्स गो कम ऑन चलो।
सो गाइज आज इवनिंग रूटीन ये है कि त्रिशिका को हम लोग मार्केट लेके जा रहे हैं. जनरली लाइक वी आर स्पेंडिंग आवर इवनिंग्स इन शॉपिंग लाइक इन मार्केट. तो आज भी त्रिशिका देखो हम लोग लेके जा रहे हैं, बट टुडे वी आर टेकिंग हर सुपर मार्केट क्योंकि हम लोगों को सुपर मार्केट से वी हैव टू ब्रिंग सम राशन एंड ऑल ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है. तो हम लोग बाय कार जा रहे हैं आज और देन हम लोग स्कूटी से जाते हैं, तो दैट इज़ अ डिफरेंस एक. तो दूसरा, त्रिशिका का अभी टमी फुल नहीं है, मैं उसको फीड करा रही थी बट वो बीच में ही तो बीच में ही हम लोग लाइक त्रिशिका को लेके जा रहे हैं, उसने पिया नहीं दूध. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ अभी हम लोग उसको रास्ते में पिला देंगे तो उसका टमी फुल हो जाएगा ऑलमोस्ट. और उसके बाद फिर जब हम शाम को आएंगे वापस, ज़्यादा देर नहीं है, एक डेढ़ घंटे में हमारा काम लाइक हो जाएगा क्योंकि वी हैव टू ओनली परचेज राशन एंड ऑल. तो त्रिशिका बड़ी खुश हो गई है जब से उसको लाइक हम लोग जैसे गॉगल्स लगा लेते हैं, दैट मीन्स बल्कि इवन दो इट्स लाइक इवनिंग, हमने सिर्फ इसको दिखाने के लिए गॉगल्स लगाए कि वह कोई सामने, तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड. तो अभी का भी हमारा ये है कि हम लोग राशन लेके आते हैं. मैंने इसको अच्छे से फीड करा दिया, अभी आते आते बॉटल इसने दूध का पी भी लिया. लेट मी शो यू द बॉटल, दिस इज़ लाइक उसने थोड़ा सा बचा रखा है दूध और काफ़ी हद तक उसे दूध पी लिया. आते आते दो हटा भी वॉज लाइक स्लाइटली फुल क्योंकि हम लोगों ने इसको थोड़े पहले ही राइस और स्पिनच खिलाया था, तो फाइबर बहुत होता है, तो इट्स लाइक कि उसका टमी ऑलमोस्ट फुल ही होगा अभी तक. तो और हमने दूध भी पिला लिया फॉर सेफ्टी साइड. अब जितने देर भी हम लोग दो घंटा आराम से इसका खेल सकते हैं, स्टॉट लाइक ये परेशान करेगी, खेल सकते हैं, तो हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं दो घंटा आराम से. बट उससे पहले ही हम लोग नहीं, इसका क्लॉथ नहीं है, उससे पहले ही हम लोग आ जाएंगे. ठीक है, लेट मी शो यू त्रिशिका नाउ. त्रिशिका माँ माँ वेलिज माँ, मजा आ रहा है आपको? त्रिशिका आपको मजे आ रहे हैं? क्लैपिंग क्लैपिंग क्या क्लैपिंग 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 रिफाइंड बड़े वाले टिन किधर है? 15 केजी. हाँ, और कौन सा चाहिए? फॉर्चून. कौन सा बढ़िया है? मस्टर्ड में चाहिए या कोई भी में चाहिए? फॉर्चून. फॉर्चून फॉर्चून का मस्टर्ड चाहिए. हाँ नहीं, कौन सा कह रहे हैं, कौन सा अच्छा होता है इसमें टिन वाला? ये क्या है, अंजलि? हाँ, कैसे ये दो पैसा मांगे ना? नो त्रिशिका, आप खा नहीं सकते उसे. पूरी कोशिश करें नो. मोल त्रिशिका नो नो. त्रिशिका लेट्स गो, इधर फेस करना इसको. त्रिशिका लेट्स गो, चले अभी. डन विद शॉपिंग और अब लोग अब घर जा रहे हैं. त्रिशिका इवनिंग रूटीन ये है कि उसने अब जाके तुरंत उसको कुछ खिलाएंगे हम लोग. ज़्यादा देर नहीं हुई, एक घंटे भी हो गया काम हमारा. अभी 8:08 तो हमारा एक घंटे भी काम हो गया है और अब हम लोग घर जाके त्रिशिका को कुछ फीड कराएंगे स्नैक्स, फिर लास्ट एक दूध पिला के और फिर इसका हो जाएगा टाइम सोने का. पर उससे पहले जाने से पहले जाने के बाद लाइक मैं इसको एक मसाज सुविधा सुविधा स्टोर पटेल नगर वाला. और ट्रैफिक बहुत हो गया है, हॉन्गकिंग इंडिया का पता चल जाता है हॉन्गकिंग से ना, इंडिया के ब्लॉग से. ओके, बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है. तो गाइस घर जाके मैं इसको मसाज देने वाली हूँ सबसे पहले, उसके फिर कुछ फिट करा के और फिर ये थोड़ी देर खेलेगी, उसके फिर एक दूध पिएगी और उसके सो जाएगी. सबसे इवनिंग रूटीन, नाइट में वो बिल्कुल नहीं उठती है, दो तीन बार एक बार रात को उठेगी और उसमें फिट करके फिर सो जाती है. तो दैट्स इट. अब जाके अब मैं आपको मिलूंगी लाइक घर जाके. बाय. सो गाइस हम लोग
मार्केट से वापस आ गए हैं, 8:30 होने वाला है और तुषिका आते आते सो गई थी। आई थॉट कि मैं इसका मसाज कर दूँगी बट इट वॉज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि तुषिका सो गई, तो हम डायरेक्ट उसको उसके रूम में लिया जहाँ पे सोती है। और अभी राहुल फटाफट क्या कर रहे हैं, उसको दूध पिला रहे हैं और दूध पिला के फिर हम लोग उसको परमानेंटली सुला देंगे। लाइक अभी फिर बीच में उठेगी, राहुल उधर है, पेप उधर है, तो ये रास्ते में आते आते सो गई थी। अगर ये रास्ते में आते हुए नहीं सोती तो डेफिनेटली इसकी मसाज होती है और मैं इसको नहलाती भी, बट अभी क्योंकि ये सो गई है तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि बच्चा सो गया है। तो राहुल उसको लाइक फीड करा रहे हैं, शी इज़ हैविंग हर मिल्क। और उसके बाद अभी ये उठेगी रात को सीधा 11 बजे या फिर 11:30 बजे के करीब। और बस यही था इसका इवनिंग रूटीन, इवनिंग टू नाइट ही हो गया ऑलमोस्ट बिकॉज इट्स 8:30 और अब हम लोग जा रहे हैं डिनर वगैरह कुक करने। तो शॉपिंग बहुत हो गई है, थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, लिटरली आई एम वेरी टायर्ड। और मैं आज मेरे गलती से चोट भी लगी थी, तारा से ज़्यादा पार्ट लगे बिल्टेली बाद में। तो गाइज गुड नाइट फॉर नाउ।